नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा वीडियो ब्राह्मणिक आर्य संस्कृति पर है, जो इसे अन्य धर्मों से अलग करता है, जिसे आप भी नहीं जानते होंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो पे चलते हैं और जानते हैं सनातन धर्म का करवा सच। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे महत्वपूर्ण तर्कपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो बिना देर किए हुए वीडियो पे चलते हैं। आर्य संस्कृति का सबसे प्रमुख नियम जो सबसे पहले आता है, वर्ण व्यवस्था। ब्राह्मणिक आर्य संस्कृति अथवा ब्राह्मण धर्म में चार वर्ण तथा जातियों एवं उपजातियों का नियम अटल है। चार वर्ण नहीं तो आर्य नहीं। आर्य कभी भी मात्र मानव बनकर नहीं जी सकता, उसके लिए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र होना अनिवार्य है। मनु के अनुसार चार वर्णों का समाज होना ही आर्य समाज का सार है। दूसरा, ऊंच नीच। ब्राह्मणिक आर्य वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण सबसे ऊपर तथा शूद्र सबसे नीचे होंगे, ऐसा उनका नियम बनाया गया है। क्षत्रिय ब्राह्मणों की रक्षा करने के लिए बने हैं तथा वैश्य कमाई करके उन्हें दान देने के लिए बने हैं, और शूद्र सभी की सेवा करने के लिए बने हैं, ऐसा आर्यों का मानना है। यह ऊंच नीच अटल है तथा अचल है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आर्य समाज में ऊंच नीच न हो, और न ही कभी ऐसा हो सकता है कि शूद्र या वैश्य ब्राह्मण से ऊंचा हो जाए, चाहे वे कितने भी गुणवान क्यों न हो। सदा ब्राह्मण ही ऊंचा रहेगा, चाहे उसमें ढेले की भी अकल न हो। ब्राह्मण बात का यह सबसे घिनौना नियम है, क्योंकि जो सिद्धांत आदमी को आदमी नहीं समझता वह धर्म कहलाने के लायक ही नहीं। गुण दोष की कसौटी के बिना ऊंच नीच का बंटवारा तो केवल गुंडों के गिरोह में होती है। ब्राह्मण धर्म के शिकंजे में रहने के कारण ही आज भारत दुनिया का सबसे भ्रष्ट देश है। यह हम नहीं कह रहे हैं, यह विश्व रिपोर्ट जारी करने वाला इंडेक्स कह रहा है, जिसमें 180 देशों में भारत की रैंकिंग 53वें स्थान पर है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि यहाँ गुण की जगह जाति का मोल है। ब्राह्मणिक आर्य संस्कृति का तीसरा नियम, यज्ञ अटल है। यज्ञ नहीं करोगे तो अनिष्ट हो जाएगा, देव नाराज हो जाएंगे और वे लोग को सताएंगे, ऐसा ब्राह्मण ग्रंथों का कहना है। यज्ञों में मीट, शराब और सुंदरी का खुलकर प्रयोग अनिवार्य है, ऐसा ब्राह्मण ग्रंथ का मानना है। यज्ञ में बलि के लिए सबसे उत्तम मांस आदमी का माना जाता था, लेकिन आदमी की बलि देनी बहुत महंगी पड़ती थी, क्योंकि बलि के लिए आदमी को खरीदना पड़ता था, जो कि बहुत ही महंगा पड़ता था। अजिगर्त की कथा इसका सबूत है। दूसरे स्थान पर घोड़े की मांस था, तीसरे स्थान पर गाय या बैल का मांस आता था। ऋषि न केवल इनकी बलि देते थे, बल्कि उनके मांस को यज्ञ के आग में भूनकर खाते भी थे। राधा कृष्णन के अनुसार ब्राह्मण यज्ञ में बकरी, भेड़, गाय, सांड और घोड़े को काटते थे। यह राधा कृष्णन के धर्म और समाज में लिखा गया है। ब्राह्मणिक आर्य संस्कृति का चौथा नियम, शराब और मांस का भक्षण। आर्यों के लिए यज्ञ ही नहीं, बल्कि आम जीवन में भी मीट, शराब और खुले संभोग का भी प्रयोग अनिवार्य था। ऋषियों की देखा देखी आम आर्य भी दारू, मीट का खुलकर सेवन करते थे। पुरुष ही नहीं, बल्कि औरतें भी शराब पीने में मर्दों से पीछे नहीं थीं। ब्राह्मण स्त्री तक भी शराब पीती थी। यज्ञ तो बिना शराब के होते ही नहीं थे। सीता तक ने गंगा में मीट शराब की मन्नत मानी। आर्य पियकर जाती थी और दारू पीना उनका धर्म था। कट्टर ब्राह्मणवादी लेखक राधा कृष्णन को भी यह सत्य स्वीकार करना पड़ा कि प्राचीन काल में ब्राह्मण भी मांस खाते थे। उसके अनुसार बंगाल और कश्मीर में ब्राह्मण अब भी मांस खाते हैं, यह धर्म समाज में लिखा गया है। ब्राह्मणिक आर्य संस्कृति का पांचवा नियम जो है, नियोग। आर्यों की एक प्रथा जो उन्हें दुनिया के सब लोगों से अलग खड़ा करती है, वह है नियोग प्रथा। सीधे साफ शब्दों में, जैसे आज के समय में पशुपालक अपनी मादा गाय भैंसों को गर्भवती कराने के लिए
दूसरों के सांड को किराए पर लेकर आते हैं, वैसे ही सतयुग से लेकर द्वापर तक आर्य अपनी बहन बेटी या पत्नी को गर्भवती कराने के लिए ब्राह्मण ऋषियों को भाड़े पर लेकर आते थे। यह सनातन वैदिक प्रथा है। वैदिक प्रथा के आधार पर आर्य समाज की स्थापना कराने वाला दयानंद भी कहता है कि नियोग रोकना अधर्म है। उसके अनुसार वेद की आज्ञा है कि हर स्त्री 10 पुत्र पैदा करे, विधवा हो जाए या उसका पति नपुंसक हो जाए तो भी उसे ब्राह्मणों को भाड़े पर बुलाकर गर्भ धारण करना चाहिए तथा 10 पुत्रों का आंकड़ा हर हाल में पूरा करना चाहिए। यह दयानंद सरस्वती का कहना है। ब्राह्मणिक आर्य संस्कृति का छठा नियम, जुआ खेलना अनिवार्य है। हर आर्य राजा के पास सेनापति हो या न हो, वह अपने दरबार में जुए का एक्सपर्ट यानी निपुण जुआरी जरूर भर्ती कराता था। लोग धन तो दाव पर लगाते ही थे, अपनी बीवी को भी दाव पर लगा देते थे। ऐसे लोग धर्म पुत्र कहे जाते थे। जुए में बीवियां हारने का जिक्र ब्राह्मण धर्म की सबसे पवित्र पुस्तक ऋग्वेद में भी आया है। सो यह प्रथा आर्यों का सनातन धर्म है। यज्ञ में जुआ खेलने का अटल नियम था। राजसू यज्ञ में यज्ञ की आग जलाने के समय जुआ खेलना अनिवार्य था। यह है सो कॉल ब्राह्मण धर्म या सनातन धर्म, जिसे लोग गर्व से मानते हैं और कहते हैं कि हम सनातनी हैं। ऐसा है सनातन धर्म जिसमें लोग कहते हैं कि सनातनी मांस मदिरा का सेवन नहीं करते थे, लेकिन उनके धर्म ग्रंथ में ही मांस मदिरा का जिक्र किया गया है। यहाँ तक कि उसमें मानव मांस को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। अब आप ही बताइए कि जो धर्म मानव मांस खाने को श्रेष्ठ कहा गया हो, उस धर्म को आप क्या कहेंगे? जिस धर्म में मानव मांस खाने की प्रमुखता हो, हम किसी धर्म का विरोध नहीं करते हैं, लेकिन जो जैसा है वैसा कहने में शर्म किस बात की? इसलिए बाबा साहब ने अपने अंतिम क्षणों में बौद्ध धर्म अपना लिए थे। आप समझदार हैं, सोचिए, विचारिए, तर्क कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही महत्वपूर्ण तर्कपूर्ण तथ्यों के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और झूठे पाखंडी ब्राह्मणवादी से बचते रहिए। जय भीम, नमो बुद्धाय।